पहले प्री टीजर, फिर टीजर और आज एनिमल का ट्रेलर आ गया है दोस्तों। मतलब क्या ट्रेलर है, वायलेंस लेवल सुपर हाई। ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स दिखाए ट्रेलर में, तो मतलब एक्चुअल मूवी में क्या क्या नहीं होगा। और वैसे भी संदीप रेड्डी वांगा ने बोला ही था कि ये सबसे वायलेंट मूवी रहने वाली है। वेलकम टू माई चैनल दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। एनिमल के प्री टीजर में हमें हल्की सी झलक मिली थी वायलेंस की, और वही चीज़ें हमें टीजर में भी देखने को मिली। पर अब जो ट्रेलर आया है ये अलग ही लेवल का है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अब इस मूवी को देखने के लिए। ट्रेलर पूरे 3.5 मिनट का है और रणबीर कपूर, बॉबी देओल और अनिल कपूर की क्या क्लास एक्टिंग देखने मिली हमें ट्रेलर में। और यही नहीं, मूवी भी 3.5 घंटे की है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम है, पर एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी हाई है। अगर स्टोरी लाइन, एक्टिंग और सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी रही तो ये टाइम भी छोटा लगने लगेगा। ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये मूवी काफ़ी इंटेंस रहने वाली है, और जहां बाप बेटे का रिश्ता थोड़ा ही नहीं काफी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा रहने वाला है। ट्रेलर में दिखाया है कि कैसे रणबीर कपूर अपने पापा से कितना प्यार करता है, पर बाप अपने बेटे से प्यार करता ही नहीं, मतलब उसको प्यार से देखता ही नहीं है। फिर प्यार से आशिक और आशिक से एक एनिमल बन गया है रणबीर कपूर। इसी बीच इस एनिमल का सामना दूसरे एनिमल से होने वाला है, बॉबी देओल, और वो सन की पनिया के मामले में उसका भी बाप है। ट्रेलर को काफी अच्छे से एडिट किया गया है, मतलब स्टोरी हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, पर वो स्टोरी वही है कि नहीं ये हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सबसे अच्छी बात है कि वायलेंस के साथ साथ इमोशंस भी हमें देखने मिले और सारे एक्टर्स की एक झलक भी हमें देखने मिली। एक रूमर ये भी है कि बॉबी देओल को इस मूवी में गूंगे का रोल दिया है, और वो सही है कि नहीं अब देखते हैं। एक्चुअली बैकग्राउंड म्यूजिक ने भी इस ट्रेलर का लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया है। एनिमल और सैम बहादुर दोनों 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है एक साथ, और ट्रेलर देख के यही लग रहा है कि एनिमल सैम बहादुर को काफ़ी पीछे छोड़ देगी पहले ही हफ्ते में। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सी मूवी ज़्यादा चलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।